ओके, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट रियल टाइम एग्जांपल ऑफ अजैक्स. ठीक है, अजैक्स को कैसे हमें रियल टाइम एक एग्जांपल देखते हैं. अजैक्स का पूरा एक्सप्लेनेशन हमने इसके पहले सेशन में किया था, इसलिए आप अजैक्स एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद ही आप इस एग्जांपल को करें तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा. ठीक है, अजैक्स एग्जांपल. ठीक है, तो हम इसके अंदर एक ऑटो सजेशन बॉक्स क्रिएट करेंगे. सॉरी, मैं यहाँ पर इसमें ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक टेक्स्ट फील्ड लूँगा और उस टेक्स्ट फील्ड में जो भी डाटा मैं टाइप करूँगा उस डाटा के अगेंस्ट जो भी डाटा है वो सर्वर से फेच होकर के आएगा. मीन्स आई वॉन्ट टू क्रिएट ऑटो सजेशन बॉक्स. ऑटो सजेशन बॉक्स यूजिंग अजैक्स. ठीक है, अजैक्स के थ्रू मैं ऑटो सजेशन बॉक्स क्रिएट करता हूँ. तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे, दैट थिंग आई एम डिस्कसिंग. तो उसके लिए देखो, सबसे पहला स्टेप ये है कि अपन एक जेएसपी का पेज बनाते हैं, नॉर्मल जेएसपी का पेज. न्यू, यहाँ पर सिंपल एक अपन ने जेएसपी फाइल ले लिया, इसका नाम दे दिया अजैक्स एग्जांपल. अजैक्स एग्जांपल डॉट जेएसपी. हियर आई विल टेक सिंपल टेक्स्ट फील्ड, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ID name equals to txt1, after that enter content, enter data, placeholder के अंदर अपन दे देंगे. ये अपन ने मैनेज किया. अब यहाँ पर अपन अजैक्स लगाएंगे. ऑन की अप, ऑन की अप के अंदर यहाँ पर एक मेथड अपन ने लगा दिया शो डेटा. इस मेथड के अंदर अपन ने लगा दिया दिस डॉट वैल्यू. देयर मीनिंग इज दैट कि जो भी वैल्यूज आप टाइप करोगे वो एज अ पैरामीटर. तो यहाँ पर आपका जावास्क्रिप्ट यूज होता है. मतलब जब भी आपको कोई रिक्वेस्ट रेज करना है तो वहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा. आफ्टर दैट स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट के अंदर अपन यहाँ पर यूज करेंगे फंक्शन शो डेटा, और यहाँ पर ए. इसके बाद ये जो फंक्शन आपका शो डेटा है इसके अंदर पूरी वैल्यू किसकी जा रही है, आपकी ए की जा रही है, और इस वैल्यूज़ को मुझे सर्वर तक ट्रांसफ़र करना है. तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा XML HTTP equals to new XML HTTP request, after that XML HTTP डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज इक्वल्स टू फंक्शन. और ये फंक्शन क्या होता है, आपका बाई डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा जैसे आपका ऑन रेडी स्टेट चेंज. ये प्रीडिफाइन एक इवेंट है, और इसका पर्टिकुलर ये इवेंट कब कॉल होता है, जैसे आपके पेज का स्टेट चेंज होगा वैसे ये इवेंट क्या होगा, आपका कॉल होगा. ठीक है, इसको अपन चाहे तो एक बार टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि दिस इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. नाउ आई विल क्लिक ऑन रन ऑन सर्वर. देखो अजैक्स के अंदर एक्चुअली क्या है, इसमें जावा स्क्रिप्ट भी यूज़ होता है और जावा का कोड भी आपको यूज़ करना रहेगा. इन दोनों का कोड यूज़ करके एक मिक्स्ड इम्प्लीमेंटेशन आप अजैक्स के थ्रू कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने डेटा यहाँ पर मैनेज किया. ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर डेटा है इसको अलर्ट ये अपन यहाँ पर करके देख सकते हैं. दिस वन, दिस इज वर्किंग. XML HTTP equals to new XML HTTP request on ready state change equals to function okay. Now it's working. After that this one, this ready state equals to change on ready state change equals to function. इस function के अंदर जो अपन का जो data आएगा वो XML HTTP dot response text आए आएगा. जो भी आपका server का data होगा process होने के बाद वो data आपको यहाँ पे show होगा. okay, after that अब यहाँ पर on ready state change event के corresponding अपने को
एक पर्टिकुलर कंटेनर एलिमेंट्स लेना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे अपन इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिया, यहाँ पर मैंने बी आर लगाया, यहाँ पे ले लिया ड्यू, आई डी इक्वल्स टू आर ई एस, एंड हियर आई विल राइट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी आर ई एस डॉट इनर एच टी एम इक्वल्स टू एक्स एम एल एच टी टी पी डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। ये आपको जो पर्टिकुलर स्नैरियो है ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑन रेडी स्टेट चेंज के अंदर, क्योंकि अपने को जो भी डाटा है वो कहाँ पे दिखाना है, इस पर्टिकुलर ड्यू के अंदर दिखाना है। और इसके बाद आता है एक्स एम एल एच टी टी पी डॉट ओपन, ये रिक्वेस्ट के लिए होता है। मैथड कौन सा रहेगा इसमें, पोस्ट रहेगा, जिस भी पेज में आपको जाना है प्रोसेस करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, एक नया पेज बना दिया मैंने अजैक्स लॉजिक डॉट जे एस पी, और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया टू। आफ्टर दैट एक्स एम एल एच टी डी पी, जो अपना एक्स एम एल एच टी डी पी क्या है, ये नॉर्मल एक वेरिएबल है एक्स एम एल एच टी डी पी रिक्वेस्ट क्लास का, या रेफरेंस बोल सकते हैं अपन। ये गया, अब यहाँ पर एक पेज अपन और बनाएंगे, क्योंकि अजैक्स के अंदर ये जो पेज है आपका ये लोड पेज है, और अजैक्स लॉजिक क्या होगा, ये डेटा के लिए पेज होगा। तो सिंपल अपन यहाँ पे जाएंगे, रन एस करेंगे, यहाँ पर एक नया जे एस पी फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम देते हैं अजैक्स लॉजिक डॉट जे एस पी, अजैक्स लॉजिक डॉट जे एस पी। यहाँ पर सिंपल लिख दिया वेलकम इन अजैक्स एग्जाम्पल, वेलकम इन अजैक्स एग्जाम्पल। आफ्टर दैट यहाँ पे जैसे ही आप देख सकते हो मैंने ए प्रेस किया, ये वेलकम इन अजैक्स एग्जाम्पल आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये जो आपका, मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के इसके अंदर अपन ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, मतलब देयर मीनिंग इज दैट कि जैसे मैं आपके हिट कर रहा हूँ, हिट करने के बाद ये पूरा का पूरा डाटा आपका, मतलब ऑन किया जैसे किया वैसे ये पर्टिकुलर आपका मैथड कॉल हुआ, एक नया ऑब्जेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट बनने के बाद कहाँ जाना है, अजैक्स लॉजिक डॉट जे एस पी में जाना है। तो अजैक्स लॉजिक डॉट जे एस पी में गया, इधर का जो भी डाटा है उस डाटा को उसने फेच किया, फेच करने के बाद पूरा डाटा किसके अंदर आया, एक्स एम एल एच टी टी पी डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट के अंदर आया, और इस डाटा को हमने कहाँ पर दिखा दिया, इस डिवीजन के अंदर अपन ने शो कर, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंडीशन भी लगा सकते हो, कभी कभी क्या रहता है डाटा नहीं भी आता है तब भी वो दिखने, ये पर्टिकुलर आपका आउटपुट दिखता है, इसलिए अपन एक कंडीशन लगाते हैं इसमें एक्स एम एल एच टी टी पी डॉट रेडी स्टेट, रेडी स्टेट इक्वल्स टू फोर, एंड एक्स एम एल एच टी टी पी, एक्स एम एल एच टी टी पी डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 200। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंडीशन यदि ट्रू होती है, मतलब एक्स एम एल एच टी टी पी का रेडी स्टेट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, और स्टेटस कोर्स 200 के बराबर हो गया, देयर मीनिंग इज दैट कि सर्वर सक्सेसफुली आपका डेटा ट्रांसफर कर चुका है कहाँ पर, ब्राउजर है। उसके लिए अपन ने ये कंडीशन लगाया, तो ये कंडीशन हरदम अजैक्स के अंदर लगाना पड़ता है, देयर मीनिंग इज दैट कि आपका जब सक्सेसफुली डाटा ब्राउजर एंड पे आ जाएगा सर्वर से प्रोसेस करने के बाद, तो उस समय रेडी स्टेट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है, और उस समय स्टेटस की वैल्यू कितनी हो जाती है, 200 हो जाती है। इन दोनों सिचुएशंस यदि ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं उसके बेसिस पे अपन को डाटा को शो कराना है, अजैक्स लॉजिक डॉट जे एस पी, ये अपने को यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कराना है, ओके। तो दी जाता है एग्जाम्पल। अब यहाँ पर अजैक्स लॉजिक, जो अपना अजैक्स लॉजिक डॉट जे एस पी पेज है, इस पेज के अंदर आपको जो कंटेंट है, मतलब जो कंटेंट मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, उस कंटेंट को यहाँ पे शो कराना है, क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल्स टू प्लस ए, ये डाटा अपन ने यहाँ पे सेंड किया। आफ्टर दैट परसेंटाइल इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्यू, क्यू एक्चुअली क्या है, यहाँ पर एक पैरामीटर का नाम है, ठीक है। आप चाहो तो ये पूरा कंटेंट यहाँ से हटा भी सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही अपन यहाँ पे डाटा, देखो यहाँ पे जैसे ही अपन जो भी डाटा लिखेंगे, जो भी डाटा अपन सेंड करेंगे, वो डाटा क्या हो रहा है यहाँ पर, दिस विल वर्क लाइक विथ लाइक दिस इम्प्लीमेंटेशन, कि आपने जो भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर डाटा यहाँ पर अपन ने सेंड किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑन की अप के अंदर अपन दिस डॉट वैल्यू भी पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप टेक्स्ट फील्ड में जो भी टाइप कर रहे हो, वो उसकी वैल्यू कहाँ पर जा रही है, इस ए में जा रही है।
और जैसे ही अपना ये जैसे अपन फॉर्म के अंदर एक्शन में लिखते थे मेथड इक्वल्स टू पोस्ट एक्शन इक्वल्स टू दिस, तो वो चीज़ आपको अजेक्स में यहाँ लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अजेक्स के कोड पे कहीं पर भी अपन ने यहाँ पे फॉर्म यूज़ नहीं किया, पूरा का पूरा जो आपका अजेक्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है विदाउट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और आप एक पेज से दूसरे पेज पे भी पूरा डाटा को फाइनलाइज कर रहे हो। अब यहाँ पर आपको जो भी डाटा को सर्च करना है तो सर्च वाला कोड आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जो भी डाटाबेस का कनेक्टिविटी का जो कोड है दैट कोड यू कैन राइट हियर। तो क्या करेगा वो, जैसे क्यू में वैल्यू तो आई रही है तो वो डाटाबेस से उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करके और आपके सामने क्या करेगा इम्प्लीमेंट करके दे देगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाटाबेस कनेक्टिविटी का एक कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने सिंपल स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मैनेज किया, इसी कोड को मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो वहाँ पर टाइप करूँगा वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या होगा यहाँ पर शो होगा। तो सेम कोड जो मेरे पास अबाउट डॉट जे एस पी में है उस कोड को मैं यहाँ पर मैनेज करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने टेबल का कंप्लीट पूरा टेबल का जो कोड है सेम ही, दिस इज़ द कोड फॉर डाटाबेस कनेक्टिविटी अजेक्स लॉजिक डॉट जे एस पी के अंदर मैंने ये कोड को सिंपली मैनेज किया, ठीक है। ये कोड है पूरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, बाय डिफॉल्ट क्या लेके आएगा ये पूरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो करके लाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जो स्टूडेंट टाइप करूँ उसी का रिकॉर्ड क्या होना चाहिए डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। पहले अपन इस कोड को एज इट इज चलाते हैं। देखो अब ये पूरा कोड जैसे आपका बाय डिफॉल्ट आप बटन प्रेस करोगे ये पूरा कोड क्या हो जाएगा सर्वर से रिटर्न होके आएगा। जैसे मैंने ए प्रेस किया तो पूरा का पूरा कोड क्या है दूसरे पेज से रिटर्न होके यहाँ पे आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं ए सेलेक्ट करूँ सिर्फ ए बी सी वाला कोड ही यहाँ पे दिखे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका पूरा जो डाटा है वो किसके अंदर आ रहा है, इस क्यू के अंदर आ रहा है। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, क्योंकि अपन डाटा किस में पास कर रहे हैं, क्यू में पास कर रहे हैं। तो इस क्यू को आप एक वेरिएबल में ले लो यहाँ से। अब इसको यहाँ से हटा सकते हैं अपन, इसको अपन एक वेरिएबल में ले लेंगे, इसका नाम दे देंगे अपन स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम इक्वल्स टू आफ्टर दैट इट विल डिस्प्ले सिंगल कोर डबल कोर प्लस प्लस और यहाँ पे जाएगा नेम, ठीक है। और इसमें आपको लाइक इसमें इक्वल ना लगा के आप लाइक लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइक एक्चुअली क्या है, एक कमांड है, और लाइक में अपन यहाँ पे क्या पास कर देंगे प्लस परसेंटाइल। इसका मतलब ये है कि जैसे अपन यहाँ पे ए सर्च करेंगे, ए लिखेंगे तो क्या आएगा ए परसेंटाइल, तो क्यूरी क्या चलाएगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम लाइक ए परसेंटाइल। तो ए से जिनका जिनका नाम भी स्टार्ट होगा उन सभी का नाम क्या करेगा ये डिस्प्ले करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैं इस एग्जाम्पल के लाए मैंने यहाँ पे ए टाइप किया तो सिर्फ ए के जो नेम है वही नेम क्या कर रहा है यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। इस तरीके से मैं इसको मैनेज कर सकता, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया बी, बी से कुछ भी नहीं है, मैंने टाइप किया यहाँ पे एस, एस से कुछ भी नहीं है, मैंने टाइप किया यहाँ पे एम, तो एम से कौन है मुकेश कुमार, तो आपको मुकेश कुमार क्या हो गया फिल्टर होकर के शो हो गया। आप इसको एडिट करना तो आप एडिट कर दो, डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। तो इस तरीके से यदि आपको कोई भी रिकॉर्ड को मैनेज करना है या इस तरीके का कोई भी ऑपरेशन यदि आपको करना है तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे अजेक्स। और यहाँ पे देख सकते हो कि अजेक्स जो है इसमें यू आर एल कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ, जबकि अपन अजेक्स लॉजिक पेज पर। तो अजेक्स ने क्या किया कि जो भी रिक्वेस्ट है उसको क्या किया उसने एवेलिएट किया और उसके बाद डाटा को कहाँ पर भेजा सर्वर में भेजा, और सर्वर का जो भी डाटा है उसको फेच करके वापस से कहाँ पर डिस्प्ले किया सेम पेज पर। इसलिए हमने देखा कि यहाँ पे अपन ने एक ड्यू लिया है, अजेक्स का जो भी डाटा आ रहा है वो किसके पास आ रहा है एक्सएमएल एचटीटीपी डॉट, इसको आप अलर्ट करोगे तो सेकेंड पेज का जो भी डाटा है पूरा आपको दिख जाएगा, और उस डाटा को अपन कहाँ पे शो कर रहे हैं इस डिवीजन में शो कर रहे हैं। तो अजेक्स का फायदा ही यही है कि आपको अजेक्स का जो आउटपुट होता है कभी भी आपको डिफरेंट पेज पर नहीं मिलेगा, अजेक्स का जहाँ से वो रिक्वेस्ट क्रिएट करता है वहीं पर आपको रिस्पॉन्स देता है। तो अजेक्स का रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों आपको एक ही पेज के अंदर मिलेगा, ठीक है। जैसे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी रहता है कंट्री सेलेक्ट करते हो तो जो कंट्री सेलेक्ट करते हो उसके अगेंस्ट स्टेट सेलेक्ट होकर आता है, जो स्टेट सेलेक्ट करते हो उसके रिस्पेक्टिव सिटी सेलेक्ट होकर आता है। तो क्या है यदि ज़्यादा अजेक्स ऑपरेशन, ठीक है। वहाँ पर आपका फॉर्म सबमिशन नहीं लगा रहता, आप डायरेक्टली आप क्या करते हो जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो वो डाटा क्या होता है ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। तो दैट इज़ द ऑल्सो द एग्जाम्पल आप देख, जैसे आप फेसबुक के अंदर भी देखा होगा कि आप सर्च करते हो तो ऑटोमेटिकली जैसे आपने के टाइप किया तो के जितने भी फ्रेंड लिस्ट हैं वो सभी आपको दिख जाते हैं विद फोटोग्राफ, ठीक है। तो वो क्या है दी जाता है अजेक्स। तो जहाँ पर भी सर्च के अंदर तो 99% केस में जितने भी सर्च होते हैं वो सभी के सभी अजेक्स के थ्रू ही प्रोसेस करते हैं, ओके। तो दैट इज़ द सिनेरियो। इस तरीके से हमने एक रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन अजेक्स का देखा कि अजेक्स कैसे मैनेज होगा, और अजेक्स में आप देख सकते हो कि जावा स्क्रिप्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि इवेंट को रेज करना। मतलब सीधी सी बात है आपने टेक्स्ट फील्ड तो बना दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं टेक्स्ट फील्ड में कोई भी की
प्रेस करूँ या की अप करूँ तो ऑटोमेटिकली ये इवेंट कॉल होगा। तो जावा स्क्रिप्ट का काम यही होता है कि इवेंट को मैनेज करना। जावा स्क्रिप्ट का काम ये होता है, ये जो आपका कोड है पूरा का पूरा ये जावा स्क्रिप्ट का ही है, और जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर जो अजेक्स के अंदर का जो डाटा है उस डाटा को दिखाने का काम भी कौन कर रहा है, जावा स्क्रिप्ट कर रहा है। एक्सएमएल ऑब्जेक्ट बनाने का काम भी किसका कर रहा है, जावा। एक्सएमएल ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि डाटा सर्व, देखो जावा स्क्रिप्ट तो सिर्फ क्लाइंट एंड पे ही काम कर सकता है, लेकिन जो आपका डाटा है उस डाटा को सर्वर तक पहुंचाने का काम और सर्वर से डाटा को वापस ब्राउजर तक लाने का काम किसका है, एक्सएमएल का। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सएमएल का अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया, इसके बाद हमने ये कंडीशन क्यों लगाया कि जब सक्सेसफुली ब्राउजर पे डाटा आ जाएगा, इसलिए ये वाला कोड अभी शुरू में नहीं चलता, ठीक है। इसके बाद ये वाला कोड चला, अजेक्स लॉजिक में गया, जो भी क्यू में वैल्यू है जो टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू उसको क्यू में लेके गया। जैसे ही इस पेज में गया तो क्यू के अंदर जो वैल्यू, जैसे आपने टाइप किया ए तो नेम में क्या जाएगा, ए परसेंटाइल, क्यूरी चलाया, क्यूरी के बाद जो भी डाटा आपका रिटर्न होकर आ रहा है वो पूरा डाटा लेकर के कौन आ रहा है, एक्सएमएल एचटीटीपी डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, और उसने इस डाटा को कहाँ पे दिखा दिया, ड्यू के अंदर दिखा दिया। तो मतलब अजेक्स में पहले नंबर पे ये चल रहा है, सेकंड नंबर पे ये तो चल रहा है लेकिन ये वाली कंडीशन ट्रू ना होने से ये वाला नहीं चला। इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या चला, ये चला, ठीक है। फोर्थ नंबर पे ये चला और वापस से फिफ्थ नंबर पे जब आपका सक्सेसफुली डाटा आ गया तो ये चला। इसलिए अजेक्स के अंदर इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो अजेक्स के अंदर कोई भी टास्क यदि आपको करना है तो ये कोड तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। बस आपके चेंजेस क्या होंगे कि डाटा कहाँ पे दिखाना है, कभी जहाँ पर आपको डाटा दिखाना है वहाँ पर आप डाटा मैनेज कर सकते हो, और ये जो कोड है ये कोड आपका जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये कोड आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम अजेक्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ जावा एप्लीकेशन। ओके, थैंक्स फॉर दिस सेशन।